हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान आई एम मिस्टर वैभव भोसले सो हम जैसे कि बात कर रहे थे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन सीरीज तो आज के जो भी पार्ट है उसमें मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू एडिशनल क्वालिफ़िकेशन तो एडिशनल क्वालिफिकेशन कैसे करना है एडिशनल क्वालिफिकेशन देखो एक तो जी करने के बाद पोस्ट बेसिक बी का हम एडिशनल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं नहीं तो बी और पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग होने के बाद एम का भी हम एडिशनल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और अगर एम एस हुआ है तो पी का भी हम एडिशनल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं जो भी मैं आज बताने जा रहा हूँ तीनों का प्रोसेस सेम ही है थोड़ा डॉक्यूमेंट के डिफरेंसेस है बट ये विथ एग्ज़ाम्पल विथ डेमोन्स्ट्रेशन में आज एक बी एस टू एम आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन दिखाऊँगा तो हम फर्स्ट हमको जाना है गूगल क्रोम में गूगल क्रोम जाने के बाद हमको जो भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ये साइट है इसके ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमको महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के एक रजिस्टर्ड साइट पे क्लिक करना है आप ऊपर देख सकते हो होम नोअर्स सर्कुलर रेजुलेशंस नर्सिंग प्रोग्राम लॉगिन करके आता है तो हमको जाना है ए पर्टिकुलर लॉगिन के ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन में हमको क्लिक करना है तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन क्लिक करने के बाद जब आप देख सकते हो आपके लेफ्ट साइड पे ऊपर होम न्यूज़ डाउनलोड कॉन्टैक्ट लॉग इन नर्स इन्फो तो उसमें हमको जाना है लॉग इन के ऊपर तो एक बार लॉग इन के ऊपर गए तो उधर क्लियरली दिखता है यूज़र लॉगिन पेज तो इधर यूज़र नेम पासवर्ड और आपका जो भी कैप्चा है वो कैप्चा एंटर करना है उसके बाद आपको लग पाना है लॉग इन तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं ये पर्टिकुलर पार्ट आ, स्किप करता हूँ एक बार आप लॉगिन हो गए तो आपका ये पर्टिकुलर पेज ऐसे दिखेगा तो पर्टिकुलर पेज में आप देख सकते हो तो इधर आपके जो भी लेफ्ट कॉर्नर है तो उसमें दिखेगा कि होम पेज चेंज पासवर्ड यूज़र मैनुअल, व्यू एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन लिंक्स प्लोलिस पोलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और रिन्यूअल स्लिप तो आपको जाना है अदर अप्लीकेशन लिंक्स के ऊपर अदर अप्लीकेशन लिंक के ऊपर जाने के बाद इधर क्लियरली देख सकते हो आप एक कॉलम है एडिशनल क्वालिफिकेशन उसको फर्स्ट ही है तो एडिशनल क्वालिफिकेशन ऊपर सेकेंड आता है अप्लाई तो अप्लाई के बाद आता है अप्लाई डेट अपलोड डॉक्यूमेंट कंफर्म अप्लीकेशन एडमिन कंफर्मेशन पे फीस प्रिंट आता है और फीस रिसिप्ट भी आता है तो फर्स्ट हमको क्या करना है एडिशनल क्वालिफिकेशन को जाने के बाद अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बाद देखो ये सब पर्टिकुलर पेज ऐसे दिखेगा आपको एक क्लियर पेज है तो इतने सारे एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल्स भरने हैं फर्स्ट जो भी है मैं इधर क्लियर दिखाऊंगा एम और अदर कोर्स मतलब आपने ये महाराष्ट्र में किया है या दूसरे इसमें किया है सेलेक्टेड और पास्ड फ्रॉम एम एस बोर्ड मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन ओ बोर्ड से आपने किया है क्या तो वो भी आपको क्लियर उधर करना है उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नाम तो ऑलरेडी उधर है डेट ऑफ बर्थ भी है आपका इधर परमानेंट एड्रेस आपको डालना है ए पर्टिकुलर कॉलम में आपका क्या करना है आपको परमानेंट एड्रेस डालना है उसके बाद परमानेंट उसका स्टेट डालना है डिस्ट्रिक्ट तालुका कंट्री पिन कोड ये सब डालना है उसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स डिटेल मतलब कोर्स का नाम क्या है तो कोर्स कौन सा था बी मतलब एम किया था आपने या पी बी बी किया था और लास्ट पासड सीट नंबर मतलब सेकेंड ईयर एम एस सी का तो सेकेंड ईयर पी बी का आपको उधर सीट नंबर डालना है और ईयर ऑफ़ फ़ाइनल एग्जामिनेशन पासिंग आप फाइनल एग्जाम कब पास हुए और मार्क्स ऑप्टेंड कितने थे मतलब कितने कितने मार्क्स आपने लिए हैं उसके बाद ग्रेड डाल सकते हो मंथ ऑफ फाइनल एग्जाम पासिंग मतलब आप फाइनल एग्जाम कब पास हुए और मार्क्स आउट ऑफ़ टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने लिए आपने और एग्ज़ाम टाइप कौन सा था मतलब विंटर था या समर था आपको क्लिक करना है उसके बाद क्या करना है आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल एग्जाम बॉडी एग्जाम का बॉडी कौन सा था महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस था या आपका दत्ता मैग डीम्ड यूनिवर्सिटी था कोई तो जो भी है वो पर्टिकुलर चीज़ें आपको डालना है तो मैं इधर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ डाल दिया फिर उसके बाद सेव चेंजेस करना है वो सेव चेंजेस करने के बाद मतलब जितने भी चेंजेस आपने मतलब कितने भी सेव किए वो वो पर्टिकुलर सेव करने के बाद आपको इधर दिखता है मेन इंपॉर्टेंट क्लिक हीयर टू एड ट्रेनिंग पीरियड डिटेल्स एड ऑल ट्रेनिंग डिटेल्स इन केस ऑफ मल्टीपल केसेस मतलब आपको क्या करना है उधर ट्रेनिंग का डिटेल डालना है उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको आएगा कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग खत्म किया है ओके okay? सेकंड आएगा ट्रेनिंग स्टार्टेड डेट एंड डेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन मतलब आपने कब स्टार्ट किया है क्लियर इधर देख सकते हो ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ ये एक्चुअल चीज़ है ना आपके कोर्स कंप्लीशन में रहता है तो जैसे ही कोर्स कंप्लीशन है मतलब जैसा आपका कोर्स कंप्लीशन है वैसा ये पर्टिकुलर चीज़ आप एंट्री कर सकते हो कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये दो ईयर का कोर्स है तो फर्स्ट अगस्त टू टू थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी करके रहता है दो साल का रहता है उसके बाद सेव चेंजेस करना है एक बार आपने सेव चेंजेस किया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपने क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपको देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब जो भी आपका बी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सो so नेक्स्ट आपको क्लिक करने के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट नीड टू अटैच मतलब कौन से कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एडिशनल क्वालिफिकेशन फाइनल ईयर मार्कशीट मतलब कौन सा एडिशनल करना चाहते हो उसका फाइनल ईयर मार्कशीट अगर एम uh, एस का करना चाहते हो तो एम एस सेकेंड ईयर का लगाना है अगर पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग करना चाहते हो तो पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग फाइनल ईयर का लगाना है डिग्री सर्टिफिकेट मतलब एम का डिग्री सर्टिफिकेट कैंडिडेट सिग्नेचर कैंडिडेट रिसेंट फोटो नर्सिंग यूनिफॉर्म पासपोर्ट साइज रिसेंट क्लियर फोटो विथ प्रिंसिपल स्टैंप एंड सिग्नेचर प्रिंसिपल साइज मतलब साइन साइज uh, और uh, जो भी सील है प्रिंसिपल का और सिग्नेचर चाहिए उसके बाद सी फॉर्म चाहिए जो कि एम का सी फॉर्म होता है कोर्स कंप्लीशन चाहिए एडिशनल क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए इतना सारा मतलब यूजुअली डॉक्यूमेंट चाहिए वो इधर जाके क्या करना है आपको अपलोड के ऊपर दबाना है ये ऑलरेडी अपलोड हुआ वा वाला है इसलिए आपको ये अपलोड करके दिखा रहा है एक बार आपने अपलोड किया देखो इधर क्लियरली दिख रहा है एम एन इसको वेरीफाई करेगा तो उन्होंने ऑलमोस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ए डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और एक नहीं किया है मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपरली अपलोड नहीं किया है तो और एक बार वो अपलोड करने के बाद मतलब एक बार आपने अपलोड कर दिया तो नेक्स्ट आपको जाना है पर्टिकुलर साइट पे इधर आपको क्या करना है अपलोड कंफर्म करना है मतलब आपको क्या करना है कंफर्म ये पर्टिकुलर चीज़ें जो भी है अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद इधर कंफर्म करके आता है कंफर्म अप्लीकेशन में आपको कंफर्म करना है मैं अभी ऑलरेडी कर दिया है इसलिए कंफर्म आ रहा है इसके बाद में एडमिन कंफर्मेशन आएगा एडमिन कंफर्मेशन आएगा कि हर एक डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपरली भरा है उसके बाद में आपको क्या करना है पे फीस में जाना है आप पे फीस में गए आपको डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा कि जो भी आपका चार्जेस है ओके टोटल चार्जेस है वो टोटल चार्जेस इधर पूरा क्लियर दिखाएगा तो आपको बिल्डिंग एड्रेस में आपका जो भी एरिया है वो डाल के आपको क्या करना है आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद वो आपको फर्दर लिंक को लेके जाएगा हुँ? तो उधर से आप क्या कर सकते हो इधर से आप पेमेंट कर सकते हो जितना भी पेमेंट है उतना कर सकते हो उसके बाद में वो सक्सेसफुल हो जाएगा और जो भी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपके घर पे वो आपके जो भी एड्रेस देते हो आप परमानेंट एड्रेस पे वो यूजुअली आ जाता है तो जैसे ही महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का एडिशनल सर्टिफिकेट जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके घर को आ जाएगा आपको ये देखना भी जरूरी है कि उसमें प्रॉपर पॉइंट्स है या नहीं पहले तो आप देख सकते हो कि उन्होंने क्लियरली इधर मैंशन किया है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई सेकेंड चीज़ ये है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन नंबर ये प्रॉपरली प्रिंट हुआ है नहीं ये देखने का क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन सर्टिफिकेट ऑफ़ एडिशनल क्वालिफिकेशन आपका नाम का स्पेलिंग जो भी है वो भी देखो उसके बाद में इधर क्लियरली दिया है सर्टिफिकेट बियरिंग ये आपका आर एन नंबर है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नीचे का रजिस्टर्ड मिडवाइफ़ नंबर है तो ये दोनों दिया है नहीं उसका इवन डेट भी प्रॉपरली दिया है नहीं उसके बाद जो भी मास्टर ऑफ साइंस करके लिखा है आपने अगर एम एस सी किया तो मास्टर ऑफ साइंस करके आना चाहिए फिर महाराष्ट्र का लोगो प्लस रजिस्ट्रार का एक डिजिटल साइन और इधर रिसिप्ट नंबर भी आना इंपॉर्टेंट है ये देखो रिसिप्ट नंबर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है तो ये सारे चीज़ें एडिशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं और एक एडिशनल क्वालिफिके मतलब एमएससी uh, का एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का एक सैम्पल फॉर्मेट है तो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो और जो भी नीडी आपको लगते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना थैंक यू